बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, उम्मीद है कि आप सब खैरियत होंगे। आज की मेरी वीडियो है क्रोशे कर्ली टसल, जो भी आप किसी भी पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसमें मैंने यूज़ किया 3 ply वुल और 3 mm हुक। अगर आप 4 ply यूज़ करना चाह रहे हैं तो आप उसके साथ 3.5 हुक यूज़ करें। तो चलें स्टार्ट करते हैं। पहले मैं लूँगी चेन, मर्ज़ी आपकी, चाहे आप 15 लें, 20 लें, 35 लें, डिपेंड करता है आपको प्रोजेक्ट के लिए कितनी लंबी लेंथ की आपको टसल चाहिए। तो ये एज एन एग्जांपल मैं भी पूरे 30 स्टिचेस बनाऊंगी और उसमें वर्क करूंगी, क्योंकि 30 स्टिचेस भी जब मैं बनाऊंगी, जब आप वो डालेंगे, ऐसे डालेंगे तो कर्व होकर बहुत छोटी सी फॉर्म में आ जाएगी। ये देखिए, अभी मैंने 20 डाले हैं, अभी मेरे पूरे 30 स्टिचेस रेडी हो गए हैं। जब मैं इसमें वर्किंग करूँगी, कर्ल शेप में जाएगी, तो ये टसल जो है थोड़ी छोटी हो जाएगी। इसलिए आप 40, 50, 60 जितने भी आप चेन रखना चाह रही हैं आप रख सकती हैं। ये पहली चेन छोड़ के मैंने दूसरी चेन में ऐसी वर्क करना है और एक ही स्टिच में 3 times ऐसी करना है। 1 ऐसी, 2 ऐसी एंड 3 ऐसी। ऐसी का मतलब होता है सिंपल क्रोशे। अब मैं नेक्स्ट स्टिच में जाऊंगी, फिर मैं 3 ऐसी इन वन स्टिच करूंगी। फिर नेक्स्ट स्टिच में 3 ऐसी इन वन स्टिच, इसी तरह ये स्टार्टिंग से लेके एंड तक मैंने हर स्टिच में 3 times ऐसी करना है इन ईच स्टिच। और जो जो आप वर्किंग करते जाएंगे, ऑटोमेटिकली ये जो आपकी वुल है ये कर्व होते जाएगी। देखिए, कर्व होना स्टार्ट हो गया। अब नेक्स्ट स्टिच में फिर मैं 3 times ऐसी करूँगी। देखिए, कर्व बन गई है। अब आपने इसको एंड तक इसी तरह कंटिन्यू करते जाना है। ये देखिए, मेरी लास्ट स्टिच रह गई है। अब मैं इसमें 3 times ऐसी करके फिर वुल को कट करूँगी और फासन ऑफ करके जिस भी प्रोजेक्ट के लिए मैंने रेडी करना है, फिर मैं उसमें उसको अटैच करूँगी। ये आप कैप में लगा सकते हैं, बच्चों के लिए अगर पोनी बनानी है आप उसमें लगा सकते हैं, कोई भी स्वेटर है, फ्लावर बना के उसके नीचे अटैच कर सकते हैं टसल। ये देखिए, मेरे पास वुल बची हुई थी 2 colors की, तो मैं उसको यूज़ करके मैंने उसका टसल बना के रख लिया कि जब भी मुझे कभी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं उसको यूज़ कर लूँगी। आप इसको दोनों को टैग भी कर सकते हैं। उम्मीद है कि मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन के बटन को दोबारा ना भूलें, ताकि आइंदा आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अल्लाह हाफिज़।